गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास एट में जो है चैप्टर आपका चल रहा था थ्री जो था शब्द विचार। इसी क्रम में इसकी आगे अभ्यास माला जो है उससे समझते हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सही इस उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाना है। पहला है का, का है आपका शब्दों शब्द वर्णों का सार्थक समूह है, हाँ या नहीं, तो हाँ हाँ पे चिन्ह लगाएं। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण संभव है, ये भी हाँ है, तो इस पर टिक लगाएंगे। व्याकरण की भाषा में शब्द को कहते हैं क्या कहते हैं, विशेष शब्द कहते हैं, पद नहीं कहेंगे। एक अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं, आपको पता है, एक अर्थी शब्द कहलाते हैं, तो एक अर्थी पे टिक हो जाएगा आपका। अन्य भाषाओं से आए शब्द कहलाते हैं, ये अन्य भाषाओं से जो आते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, तो विदेशी पे आपका टिक हो जाएगा। इसी प्रकार रूढ़ शब्दों के खंड होते हैं सार्थक निरर्थक, तो इनके खंड जब पढ़ेंगे वो निरर्थक होंगे, उनका कोई अर्थ नहीं होगा। इसी क्रम में शब्द पढ़िए तथा सही भेद चुनिए। धनहीन जो है यौगिक शब्द है या योग रूढ़ है, तो यौगिक शब्द है। आपको बताया था यौगिक शब्द क्या होते हैं, इसके बारे में बताया था, योग रूढ़ भी बताया था। ऐसे ही इसी क्रम में राजपुत्र है, ये यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द नहीं है। चक्रधारी है, ये भी आपका योग रूढ़ शब्द है, यौगिक नहीं होगा। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो विशेष अर्थ जिनका होता है, विशेष अर्थ प्रकार करते हैं। गिरिधर ये भी योग रूढ़ है। शरणागत ये आपका यौगिक शब्द है। हम है जो है रूढ़ शब्द है। पंकज है आपका योग रूढ़ है। आप है आपका यौगिक नहीं होगा, योग रूढ़ यौगिक नहीं होगा, रूढ़ होगा शब्द। थाली जो है आपका रूढ़ शब्द है। रोटी जो है ये भी आपका रूढ़ शब्द है। इसी क्रम में आपका वाक्य पढ़िए तथा सही तथा गलत का चिन्ह लगाना। निरर्थक शब्द भाषा का अंग होते हैं, ये सही है। तत्सम शब्द विदेशी भाषाओं से आए शब्द हैं, ये गलत है आपका। शब्द तथा पद में अंतर होता है, ये सही है आपका। योग रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड संभव हैं, ये भी सही है। अनेक अर्थ वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं, तो गलत है, एकार्थी शब्द नहीं, अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे बेटा। दो भाषाओं के मेल से बने शब्द यौगिक नहीं होते, ये सही है। देश शब्द बोलचाल की भाषा से आए हैं, ये भी सही है। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, ये भी आपका सही है। समानता होती है, समान होते हैं पर्यायवाची शब्द। इसी क्रम में आपका वर्ण वर्ग में लिखे शब्द पढ़िए तथा सही शीर्षक के नीचे लिखिए। हिंदी शब्द लिखने हैं या संस्कृत शब्द लिखने हैं आपको, इन शब्दों से छांट कर जो है हिंदी शब्द लिखने हैं, उसका संस्कृत शब्द लिखना है। जैसे हमने लिखा है एक नाक और नस्का, इसी प्रकार आप लोग इस जो तालिका को पूर्ण करेंगे और तब इसको पूर्ण करके सेंड करेंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर आता है 5, इसमें कह रहा है इन शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। जैसे कपाट को तत्सम हो जाएगा, कपड़ा ग्रह का घर हो जाएगा, मातुल का मामा हो जाएगा, नसिका का नाक हो जाएगा, भ्राता का भाई, भ्रमर का भमरा हो जाएगा, अस्थि का हड्डी हो जाएगा, सुपुत्र का सपूत हो जाएगा। इसी यही बताना थे कि तत्सम शब्द जो दिए गए थे उनके तदव शब्द बताने। इसी प्रकार आया आपका प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। योग रूढ़ यौगिक शब्द के दो उदाहरण बताने, तो मैंने लिखा राजकुमार और दूध वाला, ये यौगिक शब्द हो गया। योग रूढ़ एक दंत नीलकंठ, ये योग रूढ़ हो गए। देश शब्द डिब्बा सड़क, ये देश शब्द हो गए। और विदेशी शब्द आपके कापी और स्कूल, ये विदेशी शब्द हो गए। अब आपका आता क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है समान अर्थ वाले शब्द चुनकर उपयुक्त शीर्षक के नीचे आमने सामने लिखिए। समान अर्थ हैं, जैसे ये कुछ शब्द दिए गए हैं, विदेशी शब्द लिखना और हिंदी शब्द, यानी समान अर्थ तो उनके समान होंगे। वो विदेशी शब्द में क्या प्रयुक्त होता है, देसी हिंदी भाषा में शब्द में क्या प्रयोग होता है वो बताना। जैसे मैंने एक लिया स्कूल, स्कूल को हिंदी भाषा में विद्यालय बोलते हैं, राइट। इसी क्रम में आप और ले सकते हैं, जैसे जज है, जज है आपका, जज का आप न्यायाधीश लिख सकते हैं। जज क्या है, जज विदेशी शब्द है, न्यायाधीश आपका हिंदी शब्द है। इसी प्रकार आपको ये तालिका को पूर्ण करना है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद, यानी पूर्ण करने के बाद आपको सेंड करनी है।